Hi kids. Hi sir. The fish market. ठीक है. Fish मतलब मछली. Market मतलब बाजार. Have you been to a fish market? If you have, then you might know why a very noisy place is sometimes called a fish market. कितने बच्चे fish market गए हैं? कितने बच्चे fish market गए हैं? मच्छी बाजार में. ठीक है. मच्छी बाजार में क्या होता होगा? मछलियां. वेरी गुड. दिस फिश मार्केट इज बिजी टुडे. ठीक है. ये जो फिश मार्केट है वो क्या है, बहुत ही क्या है, आज व्यस्त है क्योंकि वहां पर क्या हो रही है, फिशेस बेची जा रही हैं. ठीक है. मैनी बोट्स हैव ब्रॉट अ गुड कैच. द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइसेस टू द बायर्स. ठीक है. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैनी बोट्स हैव ब्रॉट अ गुड कैच. बहुत सारी बोट्स में क्या है, बहुत सारी बोट्स में बहुत सारी फिशेज आज मार्केट में क्या हुई हैं, लाई गई हैं बेचने के लिए. द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइसेस टू द बायर्स. द फिशर वुमेन मतलब जो मछली बेचने वाली जो औरतें हैं वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रही हैं, अपनी अपनी जो उन्होंने मछलियां ला रखी हैं उनके क्या बता रही हैं सब लोगों को, रेट्स. जैसे तुमने देखा है ना, सब्जी के बाजार में भी होता है ऐसा, कोई बोलता रहता है भाई 10 रुपये किलो आलू, कोई बोलता रहता है 10 रुपये किलो गोभी, ऐसे बोलते रहते हैं लोग. ठीक है. मिनी, अब उनमें से एक फिशर वुमेन का नाम क्या है, मिनी. वो बोल रही हैं, कम हेयर, यहाँ आओ, टेक सार्डिन्स एट ₹40 आ केजी. अब सार्डिन्स क्या है, एक मछली का टाइप है. ठीक है. तो वो बोल रही हैं सार्डिन्स को कितने रुपए किलो ले लो, 40 रुपए में एक किलो. ग्रेसी, अब वहाँ पर कोई दूसरी लेडी है ग्रेसी जिसका नाम है, वो बोल रही हैं नेवर सो चीप, इतना सस्ता कभी नहीं, गेट सॉल्ट फिश फॉर ₹60 आ केजी. मतलब सॉल्ट फिश कितने रुपए में ले लो, 60 रुपए में एक किलो. फ्लोरम्मा सेल्स प्रॉन्स फॉर ₹150 है केजी. फ्लोरम्मा है वो प्रॉन्स बेच रही है. ठीक है. वो मछली नहीं है, वो क्या बेच रही है, प्रॉन्स. ₹150 आ केजी, 150 रुपए में कितना, एक किलो. करुथम्मा सेल्स स्क्विड फॉर ₹50 आ केजी. करुथम्मा स्क्विड्स बेच रही है कितने में, 50 रुपए में एक किलो. लुक, देखो, फाजिला कैन हार्डली कैरी दिस बैग किंग फिश. सी सेज दिस फिश वेज 8 केजी. आई विल सेल द होल फॉर ₹1200. फाजिला भी एक फिशर वुमेन है. ठीक है. जो मछली बेचने वाली औरत है और वो एक बैग लेके जा रही है, वो मतलब बड़ी मुश्किल से उठा पा रही है उस बैग को. वो कितने किलो है उसमें, कितने किलो फिश है उसमें, 8 किलो. और उसका टोटल प्राइस वो बोल रही है कि मैं कितने में बेचूंगी इन्हें, 1200 में. तो 1 किलो का प्राइस कितना होगा, कोई बता सकता है, क्या करेंगे हम इसके लिए, भाग देंगे. ठीक है. 1200 में किसका भाग देंगे हम, 8 का. कितनी बार जाएगा जरा वैसे ही बताओ, कितनी बार जाएगा सबसे पहले, आठ. अब आठ आ गया, 12 में आठ गया 4, अब बचा है 40. 40 में 2 आठ का भाग, 5 और 1 0, ये बचा है. तो कितना हो गया, 150 में कितना, 1 किलो. 1 किलो. वेरी गुड. अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल द किंग फिश. तो ये वाला आंसर हमने कर लिया. ठीक है. कितने में बेचेगी वो 1 किलो, 150 क्या, किलो रुपीज, INR, इंडियन रुपीज. ठीक है. या हम ऐसे भी साइन भी बनाते हैं रुपीज का. ठीक है. अब वो बोल रहे हैं फ्लोरम्मा हैज सोल्ड 10 केजी प्रॉन्स टुडे. अब फ्लोरम्मा ने कितने बेचे हैं आज प्रॉन्स, 10 केजी. तो वो बोल रहे हैं हाउ मच मनी डिड सी गेट फॉर दैट. तो उसको कितने रुपए मिले होंगे, प्रॉन्स देखो कितने रुपए के 1 किलो है, 150 के. तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मल्टीप्लाई 10 से करो. किसी भी संख्या को जब हम 10 से गुणा करके आते हैं तो उसके आगे क्या बढ़ जाता है, 0. जैसे हम 20 2 का पहाड़ा लिखते हैं तो 2 का पहाड़ा 2 दशांकी कितना होता है, 20. तो 2 के आगे 1 0 आ जाता है, 3 के आगे 1 0 आ जाता है. अगर 10 का पहाड़ा हम लिख रहे हैं तो 10 के आगे लास्ट में 1 0 आ जाता है. तो वैसे किसी भी संख्या को जब भी हम 10 से गुणा करते हैं तो उस संख्या के लास्ट में क्या आ जाता है, 1 0 बढ़ जाता है. तो 1500 क्या मिले उसे, रुपीज. ग्रेसी सोल्ड 6 केजी सॉल्ट फिश. ग्रेसी ने कितनी सॉल्ट फिश बेची, 6 केजी, 6 किलो बेची. मिनी हैज अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी. और मिनी ने भी उतने ही रुपए कमाए जितने कितने कमाए, ग्रेसी. तो अब तुमने ये बताना है कि मिनी ने कितनी सार्डिन्स बेची हैं. सबसे पहले तो हमको इसका रेट निकालना पड़ेगा. अब ये बताओ कि ग्रेसी ने पहले कितने रुपए कमाए होंगे 6 केजी सॉल्ट फिश बेच के. अब सॉल्ट फिश का रेट देखो कितना है, यहाँ ये है ग्रेसी वाला, कितना, 60 या केजी. तो अब 6 केजी कितने में बेची होंगी उसने, कितने में बेची होंगी बताओ, 36. तो कितने रुपए की बेची उसने, 360 रुपीज की बेची. अब वो बोल रहे हैं कि जितने पैसे ग्रेसी ने कमाए उतने ही कितने किसने भी कमाए, मिनी ने भी कमाए. लेकिन मिनी ने बेची क्या, सार्डिन्स. सार्डिन्स का रेट देखो, सार्डिन्स कहाँ पर है, 40.
तो अब वो बोल रहे हैं कि उसने कितने किलो बेचे, अब क्या करना पड़ेगा 40 से इसमें कोड़ा भाग भाग 360 डिवाइडेड बाय 40 कितनी मर जाएगा बताओ, 40 के पाड़े में कहां पर आए गए नम्मे, तो कितने के जी बेची उसने, हो गया। बसीर हैज रुपीज 100, बसीर के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए। ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड, अब वो बोल रहे हैं कि उसने इसमें से 1/4 किस पे खर्च करने हैं, स्क्विड पे। अब 1/4 का मतलब उसने 1/4, अब 100 का 1/4 कितना होगा, 25। 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, 25। मतलब 25 रुपए की क्या खरीद सकता है वो, स्क्विड। एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स, और बाकी वो किस पे खर्च करेगा, प्रॉन्स पे। अब 25 रुपए यहाँ खर्च कर दिया तो प्रॉन्स पे कितने करेगा वो, 75। ठीक हो गया। अब उसने 25 रुपए और 75 रुपए में ही ये सारे सामान खरीदने हैं, 25 रुपए में तो उसने स्क्विड खरीदने हैं और 75 रुपए में उसने क्या खरीदने हैं, प्रॉन्स। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय, अब वो बोल रहे हैं कि वो कितने किलो स्क्विड खरीद पाएगा। पहले तो हमको स्क्विड का रेट पता करना पड़ेगा, अब देख लेते हैं स्क्विड का रेट कितना है। स्क्विड 50 रुपए का एक किलो है, तो कितना ले पाएगा वो, आधा। वेरी गुड, कितना, हाफ केजी। और प्रॉन्स, अब प्रॉन्स कितना ले पाएगा, प्रॉन्स का भी रेट देख लेते हैं, प्रॉन्स कितने रुपए किलो है, प्रॉन्स 150 रुपए किलो है, आधा। 75 रुपए उसके पास, आधा। हाफ केजी, सिंपल है, ठीक है।